रांची संसदीय क्षेत्र के बेड़ो प्रखंड में स्थित बाजार टाड़ के आसपास ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय केंद्र है, जहां पर लोग अपने जीवन यापन के लिए व्यवसाय करने आते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बाजार टाड़ में 3 दिन बाजार लगता है। सोमवार के दिन भी ग्रामीण दूर दूर से आकर साग सब्जी फल वगैरह की बिक्री कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन आज सुबह से ही बाजार टाड़ बंद रहने के कारण व्यवसायी के साथ साथ ग्रामीण भी परेशान रहे। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय कृषक नेताओं द्वारा बाजार टाड़ को बंद करवाया गया है। उन लोगों का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बाजार टाड़ के टेंडर पर रोक लगाया गया था, लेकिन हेमंत सरकार के आते ही फिर से टेंडर की चर्चा शुरू हो गई है। इसको लेकर स्वदेशवाणी संवाददाता सोनी खत्री ने किसान नेताओं से बात की, आइए सुनते हैं। बेरोजगार हुए हम लोग, तमाम लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके 114 गांव में भ्रमण करने के बाद हम लोग ने निर्णय लिया कि आप निश्चित तौर पर एक विज्ञप्ति जारी करके हम लोग सारे किसान जो है सबको बड़े पदाधिकारी हैं, और उसके लिए हम लोग समूह हम लोग आज रेड़ो बाजार बंद रखे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के गरीब बेरोजगार उसको बाजार मिले, इसका रोजी रोजगार बढ़िया से चले और व्यवस्था सही रहे। हमारा रेड़ो से कहना है किसान बहुत परेशान है और इस टेंडर से जो है खुश नहीं है और कुछ बदलाव चाहते हैं, और इसीलिए जो है आज हम लोग जो है बंदी का ऐलान किए हुए हैं और बंदी रखे हुए हैं और आप लोग से जुड़ने के। और मैडम एक चीज और है ना, ये सिर्फ बेड़ो का मैटर नहीं है, पूरे झारखंड का बेरोजगार का मैटर है। तो आज बंदी पूरे झारखंड में निश्चित तौर पर आपको बता रहे इतनी बाजार है क्षेत्र में, एक बाजार में कम से कम 15 गो समूह में लोग रहते थे, अब 15 परिवार चलता था, अब 15 का जोड़ के उसके परिवार को लोग कितने चलते थे, लेकिन आज फिर बिजली एक व्यक्ति को रख दीजिएगा तो बाकी 14 परिवार कहाँ जाएगा, एक
भारत सरकार का नियम है कि उग्रवाद छोड़ के लोग बेरोजगार रोजगार में आए। अगर आदमी मरने के पोजीशन में रहेगा तो भाई सोचेगा ना सर, ये सरकार से लड़ाई है ना, सरकार से भी है और यहाँ का आम जनता जो है सही डिमांड रख रही है कि भाई यहाँ रोजगार चाहिए। हम लोग ये जनता है, हम इंसान है, किसान है, बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं। स्वदेश वाणी।